चलिए फिर जो है हम लोगों ने बात की थी किस तरह से अर्ली ह्यूमन जो थे वो रहते थे क्लोज और शेल्टर के बारे में। अब उनके टूल्स और वेपन्स के बारे में बात करते हैं। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वाज फुल ऑफ डेंजर्स। जो आदिम मानव जो थे अर्ली ह्यूमन जो थे उनकी लाइफ जो है वो खतरों से भरी थी। दे ऑफ्टन फेस्ड मेनी डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। वो अक्सर जो है कई खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करते थे। दे लर्न टू यूज शार्प स्टोन्स एज वेपन्स टू कीप अवे दीज एनिमल्स। उन्होंने जो है नुकीले पत्थरों का यूज जो है हथियार के तौर पर करना शुरू किया इन जानवरों को दूर रखने के लिए। दे यूज दीज स्टोन्स टू डिग अप रूट्स टू ईट। वो जो है इन पत्थरों का यूज कंदमूल खोदने में भी करते थे जो कि वो खाते थे। दे ऑल्सो लर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। उन्होंने जो है औजार और हथियार बनाना भी सीखा पत्थरों से और जानवरों की हड्डियों से। These tools helped early humans to hunt, fish, and cut the raw meat of animals. इन औजारों ने जो है अर्ली ह्यूमन्स की मदद की शिकार करने में, मछली मारने में और साथ ही साथ जानवरों के कच्चे मांस को काटने में। अब इसके बाद जो है हम अर्ली ह्यूमन्स के लाइफ के सबसे बड़े चेंज की बात करते हैं। And that change was making use of fire. Fire का यूज। Something that changed the life of early humans forever and helped in their progress was their discovery of how to make fire. Okay? एक चीज जिसने कि अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया और उनके प्रोग्रेस में मदद की वो थी आग बनाने का आविष्कार। ठीक है। दिस डिस्कवरी चेंज देयर लाइफ इन मेनी वेज। इस डिस्कवरी ने उनकी जिंदगी को कई तरीकों से बदल दिया। Fire kept them warm and at the same time scared wild animals away. आग जो है वो उन्हें गर्म रखती थी और साथ ही साथ जो है जंगली जानवरों को भी जो है डरा के दूर भगा देती थी। They no longer ate raw meat as they realized that meat when roasted over fire tasted better. अब जो है वो कच्चा मांस नहीं खाते थे जब उन्हें ये एहसास हुआ कि आग पर पकाने के बाद मांस का टेस्ट अच्छा होता है। In time, they began to cook. समय के साथ उन्होंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया। और फिर जो है एक और बड़ा चेंज होता है जब हंटर गैदरर से अर्ली ह्यूमंस जो है वो फार्मर्स बनते हैं। Over the years, early humans noticed that when seeds from fruits fell on the ground, new plants started growing there. साल दर साल अर्ली ह्यूमंस ने नोटिस किया कि जब पौधों से फल जो है बीज जो है जमीन पर गिरते थे तो फिर उनसे जो है नए प्लांट्स जो थे वो ग्रो करना शुरू करते थे। ओके, दस दे रियलाइज दैट दे कुड ग्रो देयर ओन फूड। और इस तरह उनको एहसास हुआ रियलाइज हुआ कि वो जो है अपना खुद का खाना उगा सकते हैं। दिस लेड टू फार्मिंग। इससे फार्मिंग की शुरुआत हुई। द फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन बाय अर्ली ह्यूमंस वर व्हीट एंड बार्ली। जो पहली फसल जो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा उपजाई गई वो थी व्हीट और बार्ली। ग्रोइंग क्रॉप्स मेंट दैट दे वुड हैव टू लिव इन अ फिक्स्ड प्लेस। फसल उपजाने का मतलब ये हुआ कि उनको जो है अब एक फिक्स्ड जगह पे रहना पड़ेगा, राइट? नोमैडिक लाइफ नहीं चलेगी। ग्रुप्स ऑफ पीपल बिगेन टू लिव टुगेदर एट वन प्लेस एंड फॉर्म्ड अ विलेज। तो लोगों का समूह जो है वो एक जगह पर रहने लगे और गांव बनना जो है वो शुरू हुआ। They made shelters in the form of huts and made from dry grass, branches of trees and even animal skins. तो उन्होंने जो है सूखी घास, पेड़ की टहनियां और जानवर की खाल वगैरह से बने झोपड़ी में जो है रहना शुरू कर दिया। Early humans also began to tame some animals such as sheep, goats, bullocks. Cows and dogs. अर्ली ह्यूमंस ने जो है कुछ जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया जैसे कि भेड़, बकरियां, बैल, गाय और कुत्ते। This is known as the domestication of animals. इसे जो है animals का domestication कहते हैं। ठीक है? तो well, चलिए ठीक है। Let's take you know like a small break here. अब अगले लेसन में हम लोग जो है इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में बात करेंगे एंड दैट विल बी इट फॉर दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।